हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगी अनुपमा सीरियल में राखी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस की लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उनका रियल नेम है तस्नीम शेख, उनका निकनेम है ताशु। 4 अगस्त 1980 में उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है जम्मू कश्मीर। उनका हाइट है 5 feet 3 inch, उनका वेट है 62 kg और उनका फिगर मेजरमेंट है 34-30-34। उनका जोडाइक साइन है लियो। साल 2021 में उनका रियल एज है 41। उनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने मुंबई में रहकर ही अपनी स्टडी कंप्लीट की है। आपको बता दें कि तस्नीम बहुत ही अच्छी पेंटर है। उनकी प्रोफेशन के बारे में बात करें तो वो एक मॉडल और एक्ट्रेस है। साल 2001 में घराना सीरियल के साथ ही उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। तस्नीम को टीवी इंडस्ट्री में अपना पहचान मिली जब उन्होंने पॉपुलर सीरियल कुसुम में ज्योति देशमुख का किरदार निभाया था। इसके बाद वो कई सीरियल्स में काम करती हुई नजर आई, जैसे कि कसौटी जिंदगी की, कुमकुम एक प्यारा सा बंधन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और किस देश में है मेरा दिल। सीरियल्स के अलावा उन्होंने सेलिब्रिटी रियलिटी शो मीठी छुरी नंबर 1 में भी पार्टिसिपेट किया था। टीवी सीरियल दास्तान मोहब्बत सलीम अनारकली सीरियल में उन्होंने रुकैया सुल्तान बेगम का किरदार निभाया था। फिलहाल वो स्टार प्लस की पॉपुलर शो अनुपमा में राखी देव का किरदार निभा रही है। टीवी एक्ट्रेस तस्नीम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 14 अप्रैल 2006 में उन्होंने मार्चेंट नेवी समीर नरूरकर से शादी कर ली थी। शादी के बाद उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया था और साथ ही में अपना नाम, अभी उनका नाम है तनिषा नरूरकर। उन दोनों का अभी एक बेटी भी है जिनका नाम है टिया नरूरकर। उनकी सैलरी के बारे में बात करें तो पार एपिसोड के लिए वो 55,000 रुपीज लेती है। उनका नेट वर्थ है 36 करोड़। उनके पास ऑडी A6 मॉडल की कार है जिसका कीमत है 42 लाख। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहती हैं एक कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।